अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। वेलकम टू सविलास किचन। आज हम बनाएंगे आलू चने की चाट। ये चाट खाने में तो टेस्टी लगती ही है, साथ ही काबुली चने हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर है। इफ्तार के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। चाट बनाने के लिए मैंने चने लिए हैं, इनको मैंने पूरी रात पानी के अंदर भिगो कर रख दिया था और उसके बाद इसमें पानी डालकर एक सीटी आने के बाद 20 मिनट के लिए गैस का फ्लेम कम कर दिया था और ये अच्छे से गल चुके हैं। इसके लिए हम ये इमली की चटनी बनाएंगे। इस इमली को मैंने भिगो कर रख दिया था और मसल के इसका गूदा और रेशे निकाल दिए हैं। चौथाई कटोरी के करीब ये इमली थी और आधा कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी, इसको मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हम चाट तैयार कर लेते हैं। चने में हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा 1 छोटा चम्मच, चाट मसाला और नमक। ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसकी जगह आप लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। एक हरी मिर्च है, उसको मैंने बारीक काटा हुआ है। बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, आलू को बॉईल करके मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है, इसको हम डाल देंगे। 2 चम्मच हम डालेंगे हरी चटनी, हरे धनिए की चटनी। और ये जो हमने इमली की चटनी बनाई है इसमें चीनी मिक्स की है, ये भी हम डाल देंगे। आधा नींबू अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे थोड़े से सेव, कोई भी नमकीन आप डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चाट में। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अब इसको हम सर्व करेंगे। ये है हमारे आलू और चने की चाट। थोड़ा सा ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है गार्निशिंग के लिए और थोड़े सेव डाल दिए हैं। ज़रूर ट्राई करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।